सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और हमें तो जुकाम हो गया है भाई, सारा ही परिवार जुकाम से जकड़े हुए हैं और मुझे तो सबसे ज़्यादा हो गया है। तो दो दिन तो जुकाम से मेरी तो बहुत ही बुरी हालत हुई, मेरे तो गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, लेकिन आज थोड़ी सी आवाज़ निकल रही है तो आज मैं वीडियो भी बना रही हूँ। और आज है 29 अक्टूबर, तो आज हमारे घर में बिजली का काम भी शुरू हो गया है और कल 28 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे चूल्हा वगैरह भी फिट कर लिया है। तो वो भी मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई है, तो वो भी आज देखने को मिलेगी आप लोगों को इस वाली वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए। तो आज हमारे चूल्हे की फिटिंग भी लग गई है, हमारे प्लम्बर भी आ गए हैं आज। जी नमस्कार जी, आज चूल्हा फिट हो रहा है यार। ठीक है। और बिजली का काम तो आज हमारा हो गया कंप्लीट और अभी वेल्डिंग का भी हो रहा है, जो भी थोड़ा बहुत बचा है ऊपर सीलिंग का। और यहाँ पे हमारा फराटा भी आज जोड़ करके रख लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे पौड़ियों की हालत तो ये देखिए क्या हुई है, कचरा पड़ा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऊपर छत पे सीलिंग की है ना, वहाँ पे केलरी के ऊपर, तो तब पड़ा है यहाँ पे ये धूल मिट्टी। और साफ सफाई तो इतनी ज़्यादा हुई है पूरे घर में करने को ना, पर दिवाली तक मैं पूरा घर कम्प्लीट कर ही लूँगी, साफ भी कर लूँगी और काम भी कम्प्लीट करवा ही लेंगे दिवाली तक। और पानी की टंकी तो हमारे वहाँ पे पीछे को फिट की है, रसोई के पीछे को फिट की है, यहाँ पे है हमारी रसोई ना, और यहाँ पे ऊपर को रखी है पानी की टंकी। तो तीन काम तो अभी हमारे लगभग ना कंप्लीट होने ही जा रहे हैं। तो बिजली का तो कंप्लीट हो ही गया है और वेल्डिंग का भी अभी कंप्लीट हो ही जाएगा थोड़ी देर में। और पानी की जो फिटिंग वगैरह की है ना, वो थोड़ी सी पाइप वगैरह रह गई है लगाने को, तो मतलब जो भी थोड़ा बहुत काम रह गया है उसको कम्प्लीट करवाना ही करवाना है। तो हमने सोचा है कि दिवाली को हमने नई रसोई में आ जाना है और कलर वगैरह भी करवाना है रसोई में और दरवाजे और खिड़की भी लगवानी है। तो ये काम अभी करवाने को है, बाकी बिजली पानी का और वेल्डिंग का ये हो गया है, अभी हो ही जाएगा, मतलब अभी थोड़ी देर में जो भी रह गया है वो अभी चला है अंदर काम। और यहाँ पे गर्म पानी का कनेक्शन छोड़ा है एक, ऊपर रसोई से आएगा गर्म पानी ना, तो यहाँ पे लगाएंगे गर्म पानी का नल। तो यहाँ पे गर्म पानी का कनेक्शन तो छोड़ दिया है, मतलब नल लगाएंगे यहाँ पे, पर नल नहीं अभी लगाया है। और ऊपर रसोई से छोड़ा है ये कनेक्शन नीचे को, क्योंकि ऊपर रसोई में हमने चूल्हा फिट कराया है लकड़ी वाला, जिसमें कि लकड़ी जला करके पानी गर्म होता है, तो तब ऊपर से ये कनेक्शन नीचे को दिया है हमने, क्योंकि हमारा ना बाथरूम यहाँ पे है नीचे को, इस तरफ को है हमारा बाथरूम। तो यहाँ पे ये नल फिर हमारा नज़दीक रहेगा, यहाँ से भर लिया करेंगे गर्म पानी हम नहाने के लिए, मतलब ऊपर रसोई के पास तो अभी बाथरूम है नहीं, तो तब मैंने ये वाला कनेक्शन यहाँ पे छोड़ा है। और नल वगैरह तो अभी लगाया नहीं है। और यहाँ पे पीछे को अभी जो हमारा रसोई से ना पानी आएगा सिंक का, तो उसकी पाइप भी रह गई है अभी फिट कराने को, और वो पानी भी यहाँ से ना आगे को छोड़ेंगे हम, ताकि यहाँ पे कीचड़ वगैरह भी कुछ ना पड़े रास्ते में। और यहाँ पे रसोई में तो आज लाइट लग गई है हमारी, ये देखिए यहाँ पे ट्यूब लाइट जल रही है यहाँ पे, और नल वगैरह सारे यहाँ पे लगा लिए हैं, पर यहाँ पे रह गए हैं हमें बर्तन स्टैंड लगाने को, तो वो मैं लेके आई नहीं थी, तो उसके लिए मुझे फिर से जाना होगा, तब उसको लेके आऊँगी और तब उसको भी यहाँ पे फिट कराएंगे। ये देखिए ये रहे यहाँ पे नल हमारे। और गीजर के लिए भी कनेक्शन छोड़ा है यहाँ पे ना, पर हमने क्या किया है कि गीजर का नल नहीं यहाँ पे लगाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे चूल्हा फिट करा लिया है पीछे को, लकड़ी वाला चूल्हा फिट कराया है हमने यहाँ पे, तो तब हमने बोला कि चलो अभी गीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लकड़ियाँ तो हमारी काफ़ी सारी होंगी, तो लकड़ियाँ जलाएंगे यहाँ पे चूल्हे में और गर्म पानी मिलेगा हमें हर जगह, वहाँ पे सिंक पे भी हमें गर्म पानी मिलेगा, और नीचे को जो मैंने एक कनेक्शन बताया ना आपको कि नीचे लगाएंगे हम एक नल, तो वहाँ पे भी नीचे को हमें गर्म पानी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि चूल्हा भी बड़ा है तो 20 लीटर पानी आ जाता है इसमें।
और आजकल वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो आजकल तो लकड़ियाँ काफ़ी सारी जलती जलती है, तो फिर हमने चूल्हे वाला ही प्लान सही समझा कि चूल्हा ही लगाते हैं गीजर के बदले। और यहाँ पे अभी चूल्हा तो फिट करा लिया है तो यहाँ पे मिट्टी वगैरह डाल करके इसको मिट्टी से ढक लेंगे बढ़िया से, तो अभी एक दो दिनों में कर लेंगे इसको भी कम्प्लीट। और बाकी आज सीलिंग वगैरह का भी आज हमारा काम ना कम्प्लीट हो गया है, मतलब सीलिंग बची थी ना थोड़ी सी हमें हॉल में बची थी और गैलरी में, तो अभी आज हमारी कम्प्लीट हो ही गई है। और यहाँ पर लाइट भी बढ़िया होगी क्योंकि यहाँ पे ट्यूब भी लगाई है, मतलब कमरा भी बंद होगा, खिड़कियाँ दरवाजे बंद होंगे इसके, और ऊपर से छत भी बन गई है इसकी, तो तब यहाँ पे जब मैं वीडियो बनाया करूँगी ना तो यहाँ पे अच्छी वीडियो क्वालिटी आया करेगी। और सेटिंग तो इतनी ज़्यादा है हमें करने को पूरे घर की ना, पर अभी आराम से किया करेंगे सेटिंग का काम यहाँ पे। ये देखिए किचन को बुरी हालत हो गई है, पर अभी ना ऊपर की छत बन गई है तो यहाँ पे जो अभी हमारा फालतू सामान है उसको ऊपर रखेंगे, और लाइट भी लग गई है तो दिन में अगर कभी टाइम भी ना लगे ना सेटिंग करने को तो शाम को लाइट जला करके भी यहाँ पे ये सेटिंग वाला काम कर लेंगे। वैसे दिवाली को करना है कंप्लीट इसको, ये सोचा है मैंने कि दिवाली को इसको पूरा कंप्लीट करना ही करना है, मतलब सेटिंग वगैरह करनी है, बाकी तो और हमारा काम कंप्लीट होने ही वाला है। दरवाजे खिड़कियाँ रह गई है लगाने को, और थोड़ा सा पेंट का है तो ये भी करवाना है। तो इतना काम करवाया है अभी हमने अपने घर का, और बहुत बिजी भी थे हम इन दो तीन दिनों में, और दूसरा फिर तबीयत भी ठीक नहीं थी तो तब तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो अभी तबीयत में भी थोड़ा सा सुधार हो रहा है और यहाँ पे काम भी हो गया है तो शायद इसकी खुशी भी होगी मन में ना, तो तब भी तबीयत ठीक लग रही है, तो तब मैं आज वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो दो चार दिन तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो इस वजह से आजकल मेरी वीडियो रेगुलर नहीं आती है। और यहाँ पे जब हमारी रसोई तैयार हो जाएगी ना, इसको हम चालू कर देंगे, तो उसके बाद तो फिर मैं डेली वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। और काम कैसा कैसा करवाया है हमने इसके लिए मुझे ना कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में, तो आज की अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।